हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार अंबू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना।
जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो साउंडट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी
फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राज किरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदा कोशी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी
की ओर संदा कोजी टू को लिन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मन मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं
दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ। पैकिन विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और सन्नाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सन्नाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन्नाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। सन्नाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल सन्नाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि
सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवील से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो साउंडट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अयू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक
मोट में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी टू को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेसस्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी टू। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी टू एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। सिंधकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राज किरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवी से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली
और अक्षराम हासन के से 2015 के मध्यमेन भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरैन शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी टू को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरत कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी टू। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी टू एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राजकिरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार, अंबू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में
अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदा कोशी 2005 की अगली कड़ी। दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवील से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड़ में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदा कोशी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को
चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की ओरिजिनल के प्रति
प्रतिबद्धता की कमी कौन जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्ति की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमेटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में 3 प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ 2 स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूरभिल से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया।
और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मान मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो
विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अयु के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदा कोशी 2005 की अगली कड़ी। दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवील से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की योजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदा कोशी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू
होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेसर्स किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडीन और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राज किरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अम्बू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवी से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिलीन और अक्षराम हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी।
जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना।
जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मन मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी
फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राजकिरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदा कोशी 2005 की अगली कड़ी। दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवील से अपनी फिल्म को फिर से बनाया रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी
की ओर। संध्या को जी टू को लियन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मुकेश साउंडट्रैक के बारे में, तो साउंडट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संध्या को जी टू। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संध्या को जी टू एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संध्या को जी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राज किरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संध्या को जी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब
था कि अभिनंदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी टू को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी टू। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी टू एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। सिंधकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी
दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिलीन और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड़ में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मन मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था।
तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाल बालू के रूप में है और दुरैन अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवील से अपनी फिल्म को फिर से बनाया रखा जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ
व्यक्ति की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियबल 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो साउंडट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राज किरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूर्भिल से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की
तलाश की थी। शमिली और अक्षराम हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड़ में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राजकिरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राजकिरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार, अंबू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो
अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संधा कोशी 2005 की अगली कड़ी। दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई, जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संधाकोजी 2 को लेन स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मन मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के
मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरत कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राज किरण, सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरत कुमार, अम्बू के रूप में हरि कृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूवी से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सॉरी को एक नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक कैमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिलीन और अक्षराम हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म अब तक नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के रूप में मदुरै शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की
और योजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी कौन जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मान मोहन ने संपर्क किया। इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो साउंडट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदाकोजी 2। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदाकोजी 2 एक 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे एन लिंगुस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। संदाकोजी की अगली कड़ी फिल्म में विशाल और राज किरण ने कीर्ति सुरेश और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया है। यह विशाल की 25वीं फिल्म भी होती है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2017 के दौरान शुरू हुआ और फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाल बालू के रूप में है और दुरई अय्यू के रूप में राज किरण सिंह सेम्बरुथी के रूप में दिखाई देंगी। कीर्ति सुरेश और पेचन करसी पीची के रूप में वरलक्ष्मी शरद कुमार अंबू के रूप में हरिकृष्णन। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो अगस्त 2014 में अनजान की रिलीज के बाद लिंगुस्वामी ने एक साथ दो स्क्रिप्ट पूरी करने से पहले एक संक्षिप्त विश्राम लिया। अभिनेता कार्तिक के लिए एनी एजू नाल और विशाल के लिए उनकी सफल संदाकोजी 2005 की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि सीक्वल का निर्माण विशाल की विशाल फिल्म फैक्ट्री और लिंगुस्वामी के तिरुपति ब्रदर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह उत्पादन 2015 में शुरू हुआ था। तिरुपति ब्रदर्स ने बाद में अपनी कई फिल्मों की असफलता के बाद उत्पादन कर्तव्यों से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ था कि उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। कास्टिंग प्रक्रिया 2015 के मध्य में शुरू हुई जिसमें राज किरण ने विशाल के साथ मूल फिल्म से अपनी फिल्म को फिर से बनाए रखा, जबकि सोरी को एक
नई भूमिका के लिए साइन किया गया और डी इमान को संगीतकार के रूप में चुना गया था। 2005 की फिल्म में प्रमुख महिला भूमिका निभाने वाली मीरा जैस्मिन को एक केमियो भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, जबकि टीम ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेत्री की तलाश की थी। शमिली और अक्षरा हासन के से 2015 के मध्य में भूमिका के लिए संपर्क किया गया और चर्चा की गई, लेकिन अंततः किसी भी अभिनेत्री को साइन नहीं किया गया। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए सत्यराज पर भी विचार किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी का मतलब था कि अभिनेता को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अगस्त 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा के बावजूद यह शुरू नहीं हुआ पाया कि विशाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म जब तक नहीं बनेगी जब तक कि स्क्रिप्ट पहले से बेहतर नहीं होंगी। जनवरी 2016 में विशाल ने खुलासा किया कि निर्माण फरवरी में शुरू होगा और फिल्म की पृष्ठभूमि के लिए के रूप में मदुरई शहर होगा। हालांकि फरवरी 2016 के अंत में विशाल ने खुलासा किया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था और लिंगुस्वामी की परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लिंगुस्वामी ने स्टूडियो ग्रीन के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत एक द्विभाषी फिल्म पर विशाल के साथ तारीखों को तय किए बिना काम करने के लिए शर्तों पर सहमति पर विशाल के साथ व्यक्त की थी। जून 2016 में घटनाओं के एक मोड में विशाल ने कहा कि फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था और सिनेमाटोग्राफर माथी और संगीतकार युवान शंकर राजा भी इमान की जगह इस परियोजना में शामिल हुए थे। नियत समय में लिंगुस्वामी ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी परियोजना में देरी की और संदाकोजी 2 को लिए स्क्रिप्ट फिर से शुरू की। टीम ने मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेत्रियों के साथ चर्चा की। पहले मंजीत मोहन ने संपर्क किया, इसमें पहले कीर्ति सुरेश को दिसंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें और देरी हो गई जब विशाल ने मेस स्किन के थुपेरियवलन 2017 के लिए फिल्मांकन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हरीश पेराडी और वरलक्ष्मी शरद कुमार को 2017 के मध्य में नकारात्मक भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए भर्ती किया गया था। बाद में स्क्रिप्ट में तीन प्रतिपक्षी में से एक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो साउंड ट्रैक युवान शंकर राजा द्वारा रचित था और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।